ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, प्रथम मैं श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ये कहना चाहता हूँ कि साइंस, मेडिकल, जो भी चीज़ आज की दुनिया में है वो मेरे वेद के द्वारा है, कुरान के द्वारा है, बाइबिल के द्वारा है, ग्रंथों के द्वारा है। मैं अपने ग्रंथ के माध्यम से, रामचरितमानस के माध्यम से, मैंने कुराना वायरस का जो दवा है, औषधि है, मैंने खोज किया है। मुझे भरोसा है कि इस खोज में मैं पूर्ण रूप से सफल व्यक्ति बनूंगा। मैं आपसे बताना चाहता हूं कि कुरान वायरस जो पूरी दुनिया में तबाही मचा रखा है, मनुष्य का क्षति कर रहा है, एक औषधि है इसका, पीपल का पत्ता। पेड़ के पास जाइए, ईश्वर का नाम लीजिए, ईश्वर को प्रणाम कीजिए, उसके बाद 5 पत्ता अब तोड़िए, तोड़ के उसको पान कीजिए। उसको पान करने के बाद अपने हृदय में जब आप उसको लीजिएगा तो फिर एक ऐसा शक्ति महसूस होगा आपके अंदर में, आपके अंदर की भावना बोलेगा कि मेरे पास ये बीमारी नहीं आएगा। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि कुरान वायरस के जैसे बीमारी नहीं, लाखों इससे भी बहुत बड़ा बड़ा बीमारी, बड़ा संकट आपके पीपल के पत्ते से नष्ट हो सकता है। मैं आप यकीनन कहता हूँ, मैं अपने अपने धर्म के माध्यम से कहता हूँ कि आपसे निवेदन है कि आप कहीं भी दुनिया, संसार, किसी भी जगह जाइए, दाएं बाएं कहीं भी देखिएगा तो आप पीपल का पौधा जरूर पाइएगा। ऐसा ब्रह्मांड में कहीं ऐसा जगह नहीं है, धरती पर ऐसा कहीं कोई जगह नहीं है जहाँ पे पीपल का पेड़ ना हो, ऐसा कोई है हो ही नहीं सकता है। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि आप कहीं भी हैं, कोई भी मनुष्य, अगर आप पीपल के पत्ता रोजाना 2-3 दिन 4 दिन 5 दिन सेवन करते हैं तो इस वायरस से, इस रोग से आप मुक्ति पा जाइएगा। कुराना वैसा वायरस से आपको मुक्ति मिलेगा। ये मेरा भरोसा नहीं, मेरे धर्म का भरोसा है, रामचरितमानस का भरोसा है, मेरा रिसर्च है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ न्यूज पे कि साइंस, मेडिकल, कोई भी इसका दवा नहीं, हर आदमी डॉक्टर घुटना टेक चुका है। मैंने सोचा कि घुटना अगर टेकने के बाद फिर वेद खोल कर देखूं। मैंने वेद को पढ़ा, रामचरितमानस को पढ़ा। मैं 21 साल के अनुभव के बीच में कह रहा हूं आपसे कि रामचरितमानस और वेद में 21 साल का मेरा अनुभव है कि आप एक पीपल का वृक्ष के पास जाकर नर्म से ईश्वर का नाम प्रेम से लेकर और संकट से बचाने की प्रक्रिया अपने मन में रख के उस पीपल के पत्ते का सेवन कीजिए। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि अगर आप इस बीमारी से, इस वायरस से आपको मुक्ति मिलेगा, आपके पास ये नहीं आएगा। आपसे एक बार और निवेदन, मैं कर जोड़ के आप लोगों को विनती करता हूँ आप लोग के साथ में कि आप लोग कभी भी संकट से बचने के लिए आप पीपल के पत्ते को सेवन कीजिए। आप इसको रिसर्च, कोई भी वैज्ञानिक, कोई भी रिसर्च सेंटर में जाकर आप इसको पता कीजिएगा कि मेरे देश के अंदर में वेद एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। वेद से हर चीज़ का, हर प्रक्रिया शुरू हुई है। वेद संसार में सबसे प्रथम आया, सब कुछ बना कर गया। हर रोग का निवारण वेद से होता है। वेद में पीपल का पत्ता सबसे महत्वपूर्ण है। भगवान श्री कृष्ण गीता में भी कहे हैं कि मैं भी पीपल का वृक्षों में, मैं पीपल का वृक्ष हूँ, पीपल में मैं पीपल का वृक्ष हूँ। आप सभी जानते हैं कि पीपल का वृक्ष कितना महत्वपूर्ण चीज़ है। उसका पत्ता एक अमृत है, सजीवनी बूटी है। आप हम पे भरोसा ना करके, अपने धर्म पे, हम रामचरितमानस पे भरोसा करके एक बार इसका सेवन कीजिए। सेवन करने के बाद खुद आपको भरोसा होगा कि मेरे पास कुराना वायरस नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। ये रामचरितमानस वेद का पुकार है कि आप इसे अवश्य पान करें। पीपल के पत्ता रोजाना अपना शौच क्रिया आदि करके 5 पत्ता ईश्वर का नाम लेकर रोजाना खाएं, आपको अंदर में भरोसा होगा कि नहीं, हमारे पास कुराना नहीं आएगा, नहीं आएगा, हमारा संकट टल जाएगा। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि ये संकट टल जाएगा, नहीं टल गया है, केवल आप पीपल के पत्ते का सेवन कीजिए। मैं इतना ही आपसे बोलना चाहता हूं और इसमें कुछ नहीं। एक बार भरोसा कीजिए, भरोसा करने का चीज़ है, पान करने का चीज़ है। मैं किस प्रकार आपसे पहले कह दूँ कि नहीं, आप कैसे भरोसा करते हैं, इसमें कोई ना यस हो कोई दरकार नहीं। अब केवल भरोसा करके पीपल के पत्ते का पान कीजिए, है ना। अब देखिएगा कि आप ठीक हैं कि नहीं, आपके पास कोई भी वायरस नहीं आएगा। जय हिंद, जय भारत।